नेता बनने का सबसे आसान फार्मूला भारत के अंदर। मेरे एक मित्र हैं, बहुत दिनों बाद मुझे मिले तो पता चला कि वो नेता बन गए। मैंने कहा भाई तुम नेता कैसे बन गए, तुम्हारे अंदर तो नेता का कोई गुण मैंने देखा नहीं, तुम नेताबाजी में थे भी नहीं, ये अचानक नेता बनने का कैसे तुम्हारे मन में आया और तुम सफल कैसे हुए। तो चूंकि मेरे मित्र रहे हैं, बहुत प्यारे मित्र हैं, बचपन में साथ साथ हम रहे हैं और एक दूसरे की कमियां भी जानते हैं, थोड़े मुस्कुराए, बोले वीडियो बनाते हो मेरा नाम तो नहीं लोगे। मैंने कहा नाम तो नहीं लूंगा मगर इस फार्मूले को बताऊंगा सबको जो आप मुझे बताओगे। कह रहा मेरा नाम मत लेना, बाकी आप कुछ भी बताते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ओपन फार्मूला है, बिल्कुल एक एक बच्चा बच्चा इसको जानता है, बड़ा पेटेंट है और बहुत ही ज्यादा कारगर है। तो मुझे जिज्ञासा हुई कि भाई बताओ ऐसा फार्मूला तो सभी ढूंढ रहे हैं, सभी को नेता बनना है। बोले मेरा सपना था, मैं नेताओं को देखता था, उनकी जब मैं चमचागिरी करता था तो मैं देखता था क्या ठाट है क्या बाट है, घर में रोटी नहीं खाने के लिए, अम्मा के पास में चूल्हे नहीं कपड़े नहीं, और बाहर जब नेतागिरी करते हैं तो कार भी है बंगला भी है, लोग अपने काम कराने के लिए आते हैं, लोटपोट और नोटों पर नोट देके चले जाते हैं, एक बात फोन पर झूठे की को सच्चे की हो जाती है, और जब नेता रजिस्टर्ड हो जाता है कहीं तो फिर अफसर क्या और क्या लोग हैं सारे चमचागिरी में बिछे बिछे चले जाते हैं, जिंदगी ऐश की है, ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग की सारी अफसाएं और स्वर्ग का सारा सुख यहीं उतर आया है। तो ऐसा मैंने देखा तो मैंने सोचा कि भाई मैं जब मैं कुछ कर ही नहीं पाया तो कम से कम नेता तो मैं बन जाऊं। तो मैं नेता बनने का अध्ययन करने लगा कि कैसे बनूं। शुरू में तो मैंने सोचा कि मेहनत करके लोगों को जगाना चाहिए, घर घर जाके लोगों को बताना चाहिए कि देखो तुम्हारे दुख ऐसे हैं दर्द ऐसे हैं, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, मैं तुम्हारे लिए नौकरी लेके आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पढ़ाई लेके आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए अस्पताल बनवाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए सारे काम करूंगा, मैं तुम्हारे घर पक्के बनाऊंगा, सड़क पक्के बनाऊंगा। मगर मैंने ये देखा कि इस तरह तो नेतागिरी नहीं हो पाएगी, मैं मर जाऊंगा फिर भी ये काम नहीं होगा। तो मैंने कई लोगों का अध्ययन किया तो पाया कि भाई नेता बनने का जो सबसे शॉर्ट और सबसे सरल फार्मूला है वो बहुत ही मजेदार है, और उसमें करना आपने कुछ नहीं है, एक नेता आप ढूंढ लो बस, कोई सा भी जो थोड़ा सा एस्टैब्लिश हो रहा हो या जिसका थोड़ा सा नाम हो गया हो, जिसको लोग जानते हो या जो ऊपर चढ़ रहा हो, बस वो नेता ही आपको नेता बनाएगा। मैंने कहा कैसे बनाएगा भाई, ये तो बड़े कमाल की बात है, नेता आपको नेता बनाएगा तो वो क्या करेगा। कह रहे यही तो कमाल की बात है, उस नेता को आप पकड़ लो और पहले यह अध्ययन कर लो कि वो नेता कितना रिपेल करता है, कितना आपको वो कितना आपके पीछे पड़ेगा कितना नहीं। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई जान का खतरा नहीं है और सिर्फ कोर्ट केस वगैरह ही होंगे या थोड़ी बहुत कोर्ट कचहरी होगी तो फिर वो सेफ है। तो मैंने कहा उसमें क्या है। कह रहे उस नेता को आप गालियां देना शुरू करो मीडिया में, अपना वीडियो बना के, और जो टीवी जो लोग हैं, ये टीवी सारे जितने भी हैं मीडिया वाले, ये सब मैनेज हो जाते हैं, इनसे यारी दोस्ती करके इनको मैनेज करके आप इनके सामने बैठो और उस नेता को धड़ाधड़ गाली बकना शुरू करो। और जब आप उस नेता को गाली बकोगे तो उस नेता के जो सपोर्टर हैं वो अंधभक्त होते हैं, वो आपको गाली बकेंगे बदले में। जब वो आपको गाली बकना शुरू करें तो इसका मतलब आपकी दुकान चल गई, अब आप नेता बन गए, क्योंकि जितनी वो गाली आपको बकेंगे उतनी तेजी से आपका नाम चारों तरफ फैलेगा, और जितने आप स्टेटमेंट गाली के देंगे और उल्टे सीधे देंगे, ये ध्यान रखना कि उसमें वेलफेयर की कोई बात ना हो, उसमें देश हित की कोई बात ना हो, वेलफेयर की कोई बात ना हो, लोगों की किसी सुख सुविधा की कोई बात ना हो, ना ही उसमें कोई ऐसी सारी बातें ऊन जलूर और बेकार की पतंगड़ जो किसी आदमी के काम की ना हो, सिर्फ वो ही कहनी है। वो कहो कपड़े कैसे पहन रहा है, इसके बाल कैसे कड़े हुए हैं, इसका जूता कैसा है, इसकी गाड़ी कैसी है, इसका निक्कर कैसा है, इसका पजामा कैसा है, ये खाता कैसे है, ये रोता कैसे है, ये पीता कैसे है, इसके परिवार में एक घर ये, इसका मकान का दरवाजा ऐसा, इसका जो गिलास है वो टेढ़ा, इसकी जो चम्मच है वो गोरी, इसकी जो कटोरी है वो काली, ये सारी बातों का जिक्र आपने करना है। और ध्यान रखना है कि नेता जब चल रहा है तो उसने कौन सा कागज उठाया, रुमाल उठा के कहाँ फेंका, उसने ध्यान रखना है कि वो क्या हरकत कर रहा है, बस उसी हरकत पे आपने उसको खूब कोसना है, खूब बोलना है। इससे क्या होगा, एक तो उस नेता की टीआरपी बढ़ेगी, तो वो चाहेगा कि उसके बारे में आप जिक्र करें, तो वो खुश होगा, क्योंकि अगर आप नेतागिरी के ग्राफ में 5 नंबर पर पहुंचेंगे तो जिसके बारे में आप बोलेंगे वो 8 नंबर पर पहुंच जाएगा, क्योंकि आप उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो दोनों नेता एक दूसरे को बढ़ाएंगे, वो आपको कुछ नहीं कहेगा, वो सिर्फ गुस्साएगा और गुस्सा के आपको जवाब देगा, टीवी पे जवाब देगा, करेगा कुछ नहीं, जवाब देगा, जो उसके भक्त हैं फिर आपके भक्त बनने शुरू हो जाएंगे, फिर लोग दो भागों में टूट जाएंगे, जो आपके भक्त हैं वो उसके भक्तों को गाली देंगे और जो उसके भक्त हैं वो आपके भक्तों को गाली देंगे, भक्त भक्त आपस में लड़ेंगे और आपका टीआरपी बढ़ेगा, दोनों नेता प्रसन्न। कभी बाय चांस अगर मिल जाए किसी होटल में या किसी जगह मिल जाए तो बाथरूम में हेलो हाय कर लें,
मगर किसी पब्लिक के सामने बिल्कुल भी हेलो हाय ना करें, फोन पे बात कर लें, मगर कोशिश करें कि पब्लिक के सामने गुस्सा बने रहें, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी हैं, दोनों ही एक दूसरे के भाई हैं, दोनों ही एक दूसरे को नेता बना रहे हैं। ये फार्मूला मैंने देखा कि ये फार्मूले से तो बहुत सारे लोग नेता बन गए, किया जमीन पर कुछ नहीं, सिर्फ एक दूसरे को गाली बकी और बन गए। तो मैंने भी एक नेता को पकड़ के खूब उसको गाली बकी, उसने इसके लिए मुझे शाबाशी दी, उसके भक्त लग गए, मेरे भक्त लग गए, और मैं धीरे धीरे करके नेता बन गया। उसे भी टिकट मिल गया, मुझे भी टिकट मिल गया, जितना एक को था वो अलग जगह से, मैं अलग जगह से, बस मैं ऐसे ही नेता बन गया। और ये सारे नेता ऐसे ही बनते हैं, ये है फार्मूला नंबर एक जो सबसे पेटेंट है। मैंने उससे पूछा भाई फार्मूला नंबर दो क्या है, कह रहा अगली मीटिंग के लिए भी कुछ रख लो, अगली मीटिंग में जब मिलोगे तो फार्मूला नंबर दो भी बता दूंगा, मगर नाम मत बताना मेरा, क्योंकि अगर मेरा नाम बताओगे तो जितनी टीआरपी है वो एक दिन में जीरो हो जाएगी। मगर आप जब भी टीवी पे, जब भी पोस्ट पे, जब भी फेसबुक पे, जब भी कहीं किसी आदमी का कोई ऐसा वीडियो देखें जो किसी को चैलेंज कर रहा हो, जो किसी को धमका रहा हो, जो किसी को जान से मारने की धमकी दे रहा हो, या किसी को देख लेने की धमकी दे रहा हो, या किसी की टांग तोड़ने की धमकी दे रहा हो, या किसी को ये कह रहा हो कि अब तुझे हमारी कौम देखेगी, अब तुझे हमारी जाति देखेगी, अब तुझे हमारा संगठन देखेगा, अब तुझे हम देखेंगे, और तू हमें मिल और तू हमें दिखाई दे, समझ लो कि वो नेता बनने की लाइन में है और दूसरे वाले को फायदा पहुंचा रहा है और खुद भी नेता बनने के दिनरात सपने ले रहा है। कोई रास्ता नहीं मिला तो उसे भी ये रास्ता समझ में आ गया। जब से सोशल मीडिया आया है तब से लोग एक दूसरे को चैलेंज कर करके एक नंबर का नेता, दो नंबर का नेता, तीन नंबर का नेता, चार नंबर का नेता, नेता की लाइन में ऊपर जाते जा रहे हैं। कोई भी नेता आपको ये कहता हुआ नहीं मिलेगा पूरे फेसबुक पे कि एजुकेशन कहाँ गई, शिक्षा कहाँ गई, कॉलेज कहाँ गए, स्कूल कहाँ गए, हॉस्पिटल कहाँ गए, रोजगार कहाँ गया, खाना कहाँ गया, हम पूरी दुनिया में सबसे नीचे के पायदान पर क्यों हैं, हम अमेरिका से आगे क्यों नहीं हैं, ये सारे लोग पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, ये सारे लोग पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, ये देश में जो ये अफरा तफरी है ये कब खत्म होगी, ये हम लोग दुनिया के टक्कर लेने लायक कब होंगे, सारे बच्चों को इंग्लिश कब आएगी, सारे बच्चे लिखना कब सीखेंगे, हमारे यहाँ जो भिखारी हैं ये कब खत्म होंगे, हमारे यहाँ जो गरीब लोग हैं ये गरीबी कब खत्म होगी, हमारे यहाँ जो ये भुखमरी है ये कब खत्म होगी, इसका एक भी प्रश्न नहीं करेगा। और जो नेता ऐसा प्रश्न कर ले या करता हो, आप समझ जाना कि जिंदगी में ऊपर नेता नहीं बन पाएगा। ये समाज सुधारक तो बन सकता है मगर नेता का गुण नहीं है। भारत में तो शॉर्टकट में बहुत जल्दी नेता बनने के यही गुण है। तो अगली बार जब आप किसी के भड़काऊ भाषण पे, किसी की भड़काऊ वीडियो पर, किसी की भड़काऊ जो इस तरह की वीडियो आए जिसमें चैलेंज हो और उसको जब आप शेयर करें तो अपनी पीठ थपथपाएं कि हमने नेताजी को आगे बढ़ा के नेता बना दिया। क्योंकि लोग अच्छी बात को शेयर नहीं करते मगर नेता जानते हैं कि क्या शेयर होना है, इसलिए वो आपके लिए ऐसा वीडियो बनाते हैं कि आप फटाफट फटाफट उसको शेयर मार मार के और उसको बहुत जल्दी नेता बना देते हैं, जिसमें वो आपका आभारी होता है। आपको भी आभार है, उनको भी आभार है, बाकी देश में जो होता है वो चलता रहेगा। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Time.